दोस्तों डाउन टू अर्थ में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखाने वाले हैं बिहार की स्थिति। यहाँ के जो लोग हैं वो बाहर मजदूरी करने जाते हैं पंजाब हरियाणा की ओर। तो ये जो ट्रेन आप लगी हुई देख रही है पूर्णिया जिले के बनमनखी जंक्शन पर जन सेवा एक्सप्रेस नाम की ट्रेन है जो कि बनमनखी से अमृतसर की ओर जाती है। और ये मजदूर जो है वो ट्रेन हालांकि जो है अपने समय पर बनमनखी पहुंच चुकी है, शाम के 6 बजे हैं और ये ट्रेन जो है अगले दिन सुबह 6:30 बजे यहां से रवाना होगी। तो 12.5 घंटे पहले ये मजदूर जो हैं वो ट्रेन में सीट लेके बैठे हुए हैं कि अगले दिन सुबह जो ट्रेन चलेगी यहां से तो उसे सीट मिलेगी या नहीं, इसकी आशंका को देखते हुए दूर दूर से ये जो मजदूर हैं जो कि दिल्ली पंजाब हरियाणा की ओर कमाने जाते हैं तो वो आकर सीट पकड़कर बैठ चुके हैं। तो ये भयावह स्थिति आप देख रहे हैं बिहार में बेरोजगारी का आलम, जो पलायन का दौर है वो किस तरह से यहाँ से होता है, जानकारी दी है हमारे साथी प्रेम प्रकाश ने बनमनखी से। अंदर का लाइट कटा हुआ है, अंदर दिख रहा है कि नहीं वीडियो में पता नहीं, पूरा बॉगी फुल है। सारे 12 घंटा तक अब ये लोग कैसे रहेंगे जबकि सुबह में गाड़ी है। इधर भी फूल है लेकिन अंधेरा के वजह से दिखाई नहीं दे रहा। दोस्तों बात करें अगर जनसेवा एक्सप्रेस की तो यह ट्रेन पहले सहरसा से अमृतसर के बीच चला करती थी। अमान परिवर्तन के बाद सन 2006 में यह पहली गाड़ी थी जो कि सहरसा से मजदूरों को ध्यान में रखकर चलाई गई थी। और चूंकि यह ट्रेन सहरसा में 18 घंटे खड़ी रहती थी तो जून 2019 में इसे विस्तार कर पूर्णिया तक करने की बात की गई, लेकिन चूंकि पूर्णिया में रनिंग रूम नहीं था तो इसे जो है बनमनखी तक ही विस्तार किया गया। लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद भी इसका विस्तार जो है वो पूर्णिया कोर्ट तक नहीं हो पाया है जो कि पूर्व मध्य रेलवे का अंतिम स्टेशन है और इजीली रीचेबल है। पूर्णिया बिहार का 5वां बड़ा शहर है तो इन सब सुविधाओं को विकसित करना चाहिए और ट्रेन जो है वो अंतिम स्टेशन पूर्व मध्य रेलवे के जो है समस्तीपुर डिवीजन के पूर्णिया कोर्ट स्टेशन से चलनी चाहिए। लेकिन अभी मजदूरों की दुर्दशा आप देख रहे हैं तो यहाँ पर उतनी खास व्यवस्था नहीं है इस स्टेशन तक पहुँचने के लिए, मात्र 1 NH है और यह पूर्णिया जिले का एक प्रखंड है। तो आशा करते हैं कि भविष्य में जल्द से जल्द यह डिमांड जो है पब्लिक की जो कि कंटिन्यू चली आ रही है 4 साल से उसे पूरी की जाएगी। आप देख सकते हैं कि अभी जस्ट आई है गाड़ी, ये भी फुल थी। ये जनसेवा एक्सप्रेस को पकड़ने के लिए बिहारीगंज के बहुत आदमी मुरलीगंज से पकड़ लेते हैं लेकिन पूर्णिया के आदमी जो हैं पूर्णिया अररिया के आदमी सबको बनमनखी जंक्शन आना पड़ता है। दोस्तों बिहार से पलायन पर ये थी हमारी खास पेशकश बनमनखी जंक्शन से। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।